इस केस में 2 सालों से जांच चल रही है, 500 से अधिक विटनेसेस बुलाए जा चुके हैं, लेकिन 1 रुपए तक का सबूत नहीं मिला। देखिए, ईडी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम किया कर रही है। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूँ, उनकी हिम्मत और जिगर हमें मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है। लोकसभा से पहले ये किसी भी तरीके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना चाहते हैं। ये हर इंडिया अलायंस के बड़े विपक्षी नेता के ऊपर ईडी समन भेज रहे हैं। पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है। पूरा देश इस वक्त ठंड से कपकपाया हुआ है, लेकिन राजनीति का पारा उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चारों तरफ पूरी तरीके से गर्माया दिखाई दे रहा है। कारण एक है, ईडी, सीबीआई और आईटी की तथाकथित कार्रवाइयां। ऐसा ही कुछ माहौल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली की राजनीति में इस वक्त सर्द नहीं बल्कि गर्म हवाएं चल रही हैं। कारण एक है, दिल्ली के सीएम और आपके नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जुड़ी अटकलें। आपके नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जता रहे हैं। विपक्ष भी इस मामले में सत्ता पक्ष से कई गंभीर सवाल पूछ रहा है। तथाकथित दिल्ली शराब नीति केस में ईडी सीएम केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती है। इसके लिए ईडी दिल्ली के सीएम को 3 बार समन भी जारी कर चुकी है। बीती 3 जनवरी 2024 के लिए जारी हुई ईडी के तीसरे समन पर हाजिर न होने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने ईडी के सवालों के जवाब लिखकर भेज दिए हैं। मैं ईडी से बार बार पूछ रहा हूं कि मुझे किस वजह से पार्टी बनाया गया है। ईडी अपने समन भेजे जा रही है, लेकिन मेरे सवालों के जवाब नहीं दे रही। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि समन अगर कानूनी रूप से सही आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। नैतिकता की दृष्टि भी यही कहती है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष पर बढ़े सरकारी एजेंसियों के छापे गंभीर चिंता का विषय है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की अटकलों से ईडी गठबंधन के तमाम नेता काफी नाराज दिख रहे हैं, और ये स्वाभाविक भी है। अगर आप बीते कुछ सालों का डाटा उठाकर देखेंगे तो पता चलता है कि सरकारी एजेंसियों की कार्रवाइयां 100 में से 95% विपक्ष के नेताओं पर की गई है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सत्ता पक्ष कुर्सी के लालच में विपक्ष को किसी भी हद तक प्रताड़ित करने पर उतर आया है? क्या सत्ता पक्ष के मूल्य उसके लिए इतने मूल्यवान हो गए हैं कि वो विपक्ष को पूरी तरीके से कुचल देना चाहता है? ये तो स्वाभाविक ना होगा। संसद से विपक्षी सांसदों के निष्कासन से लेकर उन पर हो रही ईडी, सीबीआई और आईटी की कार्रवाइयां इसी ओर इशारा करती प्रतीत होती हैं। तेजी से ग्रोथ करती आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गिरफ्तारी की अटकलों पर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के बरहामपुर में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम सभी जानते हैं कि ईडी और सीबीआई किसके निर्देशों पर काम कर रही है। ईडी केवल आदेश पर ही कार्रवाई करेगी। भारत में ये अब सामान्य बात हो गई है। तो वहीं दिल्ली की शिक्षा मंत्री और आपकी सीनियर नेता आतिशी का कहना है कि बीजेपी हमारे नेता को लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। ये पूरा केस सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक षड्यंत्र है, और अब हम देख रहे हैं कि इस षड्यंत्र के तहत ये कोशिश की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा के चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है
कि लोकसभा के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी प्रचार ना कर पाए। इंडी गठबंधन में अहम भूमिका रखने वाली पार्टी कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा, मौजूदा वक्त में ईडी पर भरोसा करना सरासर बेईमानी है। ईडी पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो वहीं कांग्रेस के एक और दूसरे नेता उदित राज ने कहा, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सरकारी एजेंसियों का शिकंजा कसा जाना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। ये सच है कि ये एजेंसियां अपना काम नहीं कर रही हैं, बल्कि विपक्षी नेताओं पर दबाव डाल रही हैं। विपक्षी गठबंधन में अरविंद केजरीवाल जी भी हैं, तो इलीगल है, सोच समझ के उन्होंने कहा होगा कि इलीगल है, लेकिन यह बात तो सच है कि इन सारी एजेंसियों का जो काम था वह न करके विपक्ष के ऊपर दबाव बनाने का ही काम किया कर रही है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मैं अरविंद केजरीवाल और उनके साहस को जानता हूं, वो किसी से नहीं डरते। मैं केजरीवाल जी को पहचानता हूं, उनकी हिम्मत और जिगर हमें मालूम है। केजरीवाल किसी से डरने वाले नेता नहीं है, लेकिन आप गलत करेंगे, हाँ आप मिसयूज करेंगे एजेंसी का और नेताओं को ईडी के दरबार में और दफ्तर में बुलाकर अरेस्ट करेंगे। आप बनाम ईडी बीजेपी की इस लड़ाई में छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर टीएस सिंहदेव ने कहा, सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी से सभी समन का आधार पूछा है। अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि वो नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब ने स्किप नहीं किया है, उन्होंने पहले भी पत्र लिखा, मेरी जानकारी मीडिया की ही जानकारी है, मीडिया से प्राप्त जानकारी है कि उन्होंने रेफरेंस पूछा कि मुझे बुलाया जा रहा है किस लिए, मुझे ये तो बताइए कि किस लिए बुलाया जा रहा है तो उपस्थित होकर मैं सवाल जवाब करूं। ईडी ने अभी तक यही नहीं बताया है कि आपको किसके लिए बुलाया जा रहा है, किस रूप में बुलाया जा रहा है। केजरीवाल जी ने मेरी जानकारी में ये नहीं कहा कि मैं जाऊंगा ही नहीं, ईडी चाहे बुलाए चाहे मत बुलाए, ये तो केजरीवाल साहब ने नहीं कहा। उन्होंने लिखित में कहा कि मुझे लिखित में बता दीजिए कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मैं उपस्थित होऊंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा नहीं होगा। भारी संख्या में विपक्ष का एक सुर में बोलना सत्तारूढ़ पार्टी पर शक की सुइयों को कहीं ज्यादा गहरा देता है। ये सवाल करता है कि क्या केंद्र की बीजेपी वाकई में आम आदमी पार्टी की मुखर होती लोकप्रियता से घबराई हुई है, और वो महज इसी वजह से आपके राष्ट्रीय संयोजक को सलाखों के पीछे भेजना चाहती है। एक जना झूठ बोल सकता है, दो जने झूठ बोल सकते हैं, लेकिन जब सैकड़ों लोग एक ही सुर में बोले तो हमें और आपको समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।